नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस समय के तीन बड़ी अपडेट्स को लेकर जो कि निकल कर आ रही हैं IPL 2020 को लेकर, जिसमें दोस्तों पहली खबर होगी कि पिता बनने वाले हैं विराट, इस महीने अनुष्का देगी बच्चे को जन्म। वहीं पर दोस्तों दूसरी खबर होगी RCB के कोच का खुलासा, इस वजह से खरीदा एरॉन फिंच को 4.4 करोड़ में। वहीं पर दोस्तों तीसरी खबर है KKR को लेकर, जहां पर KKR के लिए दो बुरी खबरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं IPL 2020 में अपनी फेवरेट टीम को जीतते हुए देखना, तो वीडियो को यहां कहीं नीचे से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों बात करें पहली खबर की, तो आपको बता दें कि विराट कोहली अब पिता बनने वाले हैं। और आपको बता दें कि विराट और अनुष्का ने साल 2017 में इटली में शादी की थी, जिसका दो जगह पर रिसेप्शन इंडिया में किया गया था। वहीं पर दोस्तों आज विराट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को ये जानकारी दी, अनाउंसमेंट की कि वो पिता बनने वाले हैं। और बात करें कब, तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2021 में अनुष्का अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दूसरा रन मशीन होगा या फिर दूसरी अनुष्का, कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं पर दोस्तों दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है RCB के हेड कोच को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि RCB के हेड कोच साइमन कैटिज ने बड़ा बयान दिया है एरॉन फिंच को लेकर, जहां पर उन्होंने बताया कि हमारे पास हमेशा से ही एक जिम्मेदार और विस्फोटक ओपनर की कमी थी और इस ऑक्शन में यही हमारा टारगेट था मेन। और जहां तक बात है फिंच की, तो वो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान हैं और उनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस और किस कंडीशन में किस हिसाब से खेलना है ये उनको अच्छे से आता है। इसके अलावा स्पिन के जो है वो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और T20 में फिंच के नाम पर काफ़ी बड़े बड़े स्कोर भी हैं। तो ऐसे में इस सीज़न RCB के लिए एरॉन फिंच जो है वो मैच विनर साबित हो सकते हैं। खरीदा और इसके अलावा माइक हसन ने बोला कि हमने इस बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी डेथ बॉलिंग पर भी लगाम लगा दी है और अब हमारे पास काफ़ी अच्छा गेंदबाजी आक्रमण भी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या फिंच RCB को उसका पहला टाइटल जितवा पाएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वहीं पर दोस्तों तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है KKR को लेकर, जहां पर दो बुरी खबरें यहां पर IPL 2020 से पहले KKR के लिए निकल कर आ रही हैं। जहां पर दोस्तों पहली खबर है ट्रेनिंग कैंप को लेकर, जहां पर दोस्तों KKR की टीम अपना ट्रेनिंग कैंप 7 दिन के बाद लगा पाएगी, यानी कि उनको 7 दिन के लिए और वेट करना पड़ेगा। आपको बता दें कि अबू धाबी के कोविड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो समय सीमा है वो 14 दिन है क्वारंटाइन की, और 14 दिन से पहले कोई भी टीम जो है वो ट्रेनिंग कैंप नहीं लगा सकती। और ऐसे में दोस्तों मुंबई इंडियंस और KKR ये दोनों टीम जो है वो अबू धाबी में है, और इसी वजह से आने वाले 7 दिनों तक इनको अपने ट्रेनिंग कैंप के लिए वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों बाकी की 6 टीमों ने अपना ट्रेनिंग कैंप जो है वो लगा लिया है। हालांकि दोस्तों BCCI और गवर्निंग काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आज अबू धाबी के ऑफिशियल से इस बारे में बात करेंगे कि उनको इन प्रोटोकॉल्स में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। वहीं पर दोस्तों दूसरी बुरी खबर आ रही है KKR के फास्ट बॉलर हैरी गर्ने को लेकर, जहां पर दोस्तों गर्ने IPL 2020 से बाहर हो चुके हैं। आपको बता दें कि गर्ने के सितंबर में एक सर्जरी होने वाली, और इसी वजह से वो KKR के कैंप में भी शामिल नहीं हुए थे। और अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि गर्ने IPL 2020 से बाहर हो चुके हैं, और दोस्तों अभी तक KKR ने इसका रिप्लेसमेंट भी अनाउंस नहीं किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि गर्ने KKR के लिए काफ़ी अच्छे गेंदबाज थे, लेकिन अब वो हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो ये दूसरी बुरी खबर थी KKR के लिए। दोस्तों ये तीन बड़ी अपडेट जो है वो इस समय निकल कर आ रही थी, और इसी के साथ वीडियो में इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज अड्डा। थैंक यू।